फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर मालिनी। और मैं हूँ मालिनी। आज ये मंडे और अभी टाइम हो रहा है 12:29 और मेरे हस्बैंड जस्ट हाफ एन आवर पहले निकल गए ऑफिस के लिए और मैं उसके बाद जल्दी से नहा धोके फ्रेश होके आ गई हूँ। और मेरा जो थोड़ा सा डे टाइम का स्किन केयर रूटीन होता है वो भी मैंने कम्प्लीट कर लिया है। और अभी मैं अपने लिए लंच बनाऊंगी। एक्चुअली मैंने नोटिस किया है कि मंडे जो होता है वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा लेजी फील होता है, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड जाने के बाद मंडे आई थिंक मुझे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, कुछ काम करने का इतना मन नहीं होता है। तो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा फील होता है मंडे आने पर, बहुत बोरिंग लगता है या बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं सबसे पहले खाना बना लूंगी, लंच बनाऊंगी मेरे अकेले के लिए। और मैं लंच ऐसा बनाती हूँ ताकि कुछ खाना रात को भी चल जाए। जैसे अगर मैं दाल बनाती हूँ सपोज, या फिर मैं थोड़ा सा आटा भी गूंथती हूँ तो वो मैं रात के लिए भी चल जाए, ऐसे बनाती हूँ। क्योंकि सेम चीज दोनों टाइप करना जरूरी भी नहीं होता है। और दिन में अभी मैं दोपहर को खाना बना रही हूँ तो मैं दोपहर का खाना रात को मैं इजिली उसके यूज कर ही सकती हूँ। तो आज मैंने अभी तक सचमुच ये डिसाइड नहीं किया कि मैं लंच के लिए क्या बनाऊँ। ऑब्वियसली दाल और रोटी तो रहेगा, लेकिन सब्जी क्या बनाऊँ वो एक बहुत, मैं क्या समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं सब्जी में क्या बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। मेरा मानना ये है कि खाना बनाना तो फिर भी ओके हम बना लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है कि खाने में क्या बनाए। हर रोज़ ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर टाइम अलग अलग क्या बनाए। और अभी कल जो बनाया वही मैं आज रिपीट नहीं कर सकती हूँ, या आज जो बनाऊंगी वो फिर से कल टुमारो में रिपीट नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत तो वैरायटी होना चाहिए, न्यू लगना चाहिए, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाता है, खाने का भी इतना मन नहीं होता। तो मैं वही सोच रही हूँ दाल फ्राई में बनाऊंगी एंड राइस और रोटी दोनों में से कोई एक मैं खाऊंगी। मुझे अभी तक मैंने वो भी डिसाइड नहीं किया कि मैंने राइस बनाऊँ या रोटी बनाऊँ, तो आई थिंक मैं रोटी बनाऊँगी और साथ में क्या सब्जी बनाऊँ। कल ही वीकेंड गया तो मुझे आई नो कि कल ही मुझे शॉपिंग कर लेना चाहिए, वेजिटेबल्स शॉपिंग एटलीस्ट, बट मैंने नहीं किया क्योंकि कल थोड़ा सा हम लोग बिजी थे। तो सैटरडे संडे थोड़ा बिजी थे इसलिए हम लोग बाहर से शॉपिंग नहीं कर पाए। तो मैंने ऑनलाइन सब सब्जी ऑर्डर किया है तो वो एक्चुअली आज नहीं आएगा, टुमारो आएगा। और आज अभी के लिए मेरे पास आलू और बैंगन है, तो बैंगन तो मैं सोच रही रात को बनाऊंगी। तो आलू है तो मैं सोच रही या तो दम आलू बनाऊँ या फिर आलू भाजा, जो बंगाली स्टाइल आलू भाजा होता है वो बनाऊँ। तो मैंने अभी तक समझ नहीं आया, डिसाइड नहीं कर पा रही क्या बनाऊँ, बट सोच रही थोड़ा सा आलू का दम आलू जैसा ही बनाऊँ। तो दम आलू एक्चुअली मेरे मॉम का रेसिपी है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप अगर ये वाला दम आलू घर पे ट्राई करेंगे ना तो आप अपना, मतलब जो बाहर का रेस्टोरेंट का दम आलू है वो भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ये दम आलू। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Thank you.
मैंने सारे खाने में बनाने का प्रिपरेशन कर लिया है। फिर प्याज टमाटर धनिया पत्ता सब चॉप करके रख दिया। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बना लिया है मैंने, और जो भी मसाले ऑयल वगैरह चाहिए सब मैंने रख दिया है। इससे क्या होता है ना, बहुत इजी होता है खाना बनाने के टाइम पे। अगर एक ही जगह पे आप सब सामान ले लेते तो बहुत फटाफट खाना भी बन जाता है एंड बहुत इजी पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दम आलू का बनाऊंगी। दम आलू का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और दम आलू बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, एंड उसमें मैं यहाँ पे दम आलू को मस्टर्ड ऑयल से बनाऊंगी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से दम आलू बनाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 इलायची और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल दूंगी। इतना साइज का दालचीनी का टुकड़ा एनफ होगा। तो सबसे पहले इसमें मैं प्याज चॉप्ड अनियन डाल दूंगी। उसको थोड़ा सा हल्का भूनने के बाद टमाटर चॉप टमाटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून मैं ऐड कर दूंगी। उसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं सारे मसाले जैसे कि नमक हल्दी जीरा पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर, मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कोई तीखापन नहीं देता है, सिर्फ एक कलर देता है। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप कोई भी तीखा मसाला भी दे सकते हैं, जो तीखा लाल मिर्च होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो सब मसाले देखिए मुझे अच्छे से भूनना है, उसके बाद मैं आलू ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से भून चुका है, और अभी मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। पानी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आपको ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी का कंसिस्टेंसी आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा।
यहाँ मेरा लंच, और लंच में मैंने बनाए हैं आज पराठे, दाल फ्राई और दम आलू। दम आलू का रेसिपी मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है, आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। तो गाइस ये था मेरा आज का मंडे का आफ्टरनून लंच रूटीन। आई होप आप लोगों को ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है, मैंने एक सिंपल सा लंच बनाया जो आप लोगों के साथ शेयर किया। फ्रेंड्स अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप मेरे फ्रेंड्स बनेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड सब्सक्राइब बटन के साइड पे एक छोटा सा बेल आइकन होता है ना जो टिंग टिंग करने वाला, वो बेल आइकन को भी आप जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी जाके मेरे जितने भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा एंड आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।